दोस्तों, अगर आप एक नए डीटेच मैकेनिक हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको जो जानकारी है बहुत काम आएगा। आज दोस्तों मैं आपको इस छोटे से वीडियो पर LNB को चेक करने का तरीका बताऊंगा। आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि हमारा जो डीटेच का LNB है सही है या फिर ख़राब है। कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास यह मीटर रहता है, फिर भी पता नहीं कर पाते हैं कि LNB हमारा ख़राब है या फिर सही है। फॉल्ट सेटअप बॉक्स पर रहता है, लेकिन LNB को चेंज कर देते हैं फिर भी सिग्नल नहीं आता है। अगर दोस्तों आप इस मीटर का उपयोग करते हैं तो आपको मैं इस कांटे वाले मीटर से ही LNB को चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका जो कनेक्शन है कर लेते हैं। यह जो मीटर का LNB वाला वायर है हम यहाँ लगा लेते हैं और इसको दोस्तों हम यहाँ इसके रिसीवर वाले पॉइंट पर लगा लेते हैं। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से इसका जो कनेक्शन है आपको कर लेना है। इस मीटर का जो एक दूसरा फ़ायदा यह भी है कि आप दोस्तों इस डीटेच केबल को भी पता कर सकते हैं सही या फिर ख़राब है। आप जब दोस्तों इस केबल को लगाते हैं और इस बटन को आप घुमाते हैं तो आपका यह जो कांटा है अप डाउन करता है और यहाँ दोस्तों आपका LED भी जलता है। आपको इससे मालूम हो जाता है कि आपका जो वायर है यह सही है। अगर दोस्तों इस डीटेच केबल के दूसरे छोर पर पावर नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना होगा कि आपका जो सेटअप बॉक्स है वह सही है या फिर नहीं है। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि खराबी सेटअप बॉक्स पर है या फिर आपका वायर ख़राब है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस वायर को आपको यहाँ से निकाल कर इस रिसीवर वाले पॉइंट पर लगा देना है। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा लेता हूँ। तो आपको इस वायर को यहाँ से निकाल कर आपको रिसीवर वाले पॉइंट पर लगा देना है। यहाँ दोस्तों यहाँ रिसीवर लिखा हुआ है, यहाँ आपका LNB लिखा रहता है। तो आपको इस वायर को LNB वाले पॉइंट से हटाकर यहाँ रिसीवर वाले पॉइंट पर लगा लेना है। और अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वायर को निकालना है और आपको इसे यहाँ लगा देना है। अब दोस्तों आपको सेटअप बॉक्स को पावर देना है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पावर आ चुका है। आपको इसे भी घुमाकर देखना है, अगर यह कांटा आपका अच्छे से बढ़ रहा है, धीमा हो रहा है, इसका मतलब कि आपका सेटअप बॉक्स सही है। खराबी जो है तो आपके तार में है। अब दोस्तों मैं आपको LNB को चेक करने का तरीका बताता हूं। आप किस प्रकार से पता करेंगे कि LNB सही है या फिर ख़राब है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले इस नाब को घुमाकर इस कांटे को आपको इस प्रकार से थोड़ा सा कम कर लेना है, आपको लगभग बीचों बीच आपको कर लेना है। अब इसके बाद आपको इस LNB के यहाँ फेस पर आपको यहाँ हाथ लगाना है। आप दोस्तों यहाँ देखेंगे कि आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपका कांटा अप या डाउन होगा। अब जैसे ही हम हाथ हटाते हैं फिर से कांटा हमारा लो हो जाता है। जैसे दोस्तों हम हाथ लगाते हैं कांटा हमारा अप चला जाता है। अगर यहाँ हाथ लगाने पर यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिले तो दोस्तों इसका मतलब कि हमारा जो LNB है काम कर रहा है। हमारा जो फॉल्ट है सेटअप बॉक्स पर है, उसका TP वगैरह चेंज हो सकता है या फिर दोस्तों और कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो आप इस प्रकार से इस कांटे वाले मीटर से आप दोस्तों LNB ख़राब है या फिर सही है मिनटों में पता कर सकते हैं। और आप दोस्तों इस वायर को भी पता कर सकते हैं यह सही है फिर ख़राब है। अगर यहाँ पावर आ जाता है तो मतलब कि आपका यह वायर जो है तो सही है। तो दोस्तों यह एक छोटा जानकारी था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।